और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जिला अस्पताल बैकुंठपुर जांच पर पहुंचे। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान उन्होंने गंभीर मरीज को एडमिट करने पर अधिकारियों की फटकार लगाई और मरीज को जल्द एम्बुलेंस से रायपुर या मेडिकल कॉलेज रेफर करने के लिए कहा। आपको बता दें कि मंत्री जायसवाल ने कहा कि वह अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, आगे अन्य जिलों के अस्पताल का भी निरीक्षण करने जाएंगे और व्यवस्था देखेंगे। आमजनों को सुलभ चिकित्सा कैसे पहुंच सके, इसके लिए अस्पतालों में खुद जाकर व्यवस्था देख रहे हैं। आज का दौरा मुख्य रूप से पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य अमले को, स्वास्थ्य विभाग को, आम जन तक सुलभ चिकित्सा कैसे पहुंच सके, उसके लिए हमने एक मुहिम चलाया है कि खुद ही जाकर हॉस्पिटलों में एक बार जाकर देखने की मेरी योजना है कि किस प्रकार से विभिन्न हॉस्पिटलों में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या दिक्कत है, मशीनरीज की कहाँ कमी है, डॉक्टर के कहाँ कमी है, किन समस्याओं की वजह से आम जनता को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है। उसी कड़ी में आज कोरिया जिला के जिला चिकित्सालय का दौरा था और मुख्य रूप से इस दौरे में हमारा उद्देश्य डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ाना, नर्सेस का मनोबल बढ़ाना और जो मरीज भर्ती हुए रहते हैं आम जन, उनका विश्वास जीतना, ताकि हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में लोगों को विश्वास हो सके कि वही चिकित्सा सुविधा उनको मिलेगा जो प्राइवेट्स और बड़े हॉस्पिटलों में मिलता है। माननीय मंत्री जी, कांग्रेस सरकार की अपनी सरकार आ गई है और कांग्रेस सरकार भी जबरदस्त घोटाला होगा, क्या उसकी जांच होगी? निश्चित रूप से अगर घोटाला हुआ होगा तो उसमें जांच होगा। मेरे संज्ञान में अभी ऐसा कोई विषय आया नहीं है, जब भी मेरे संज्ञान में आएगा तो बिल्कुल उसकी जाँच होगी। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाएंगे हम। मरीजों से पैसे लेने की बात सामने आई है यहाँ पर, चूंकि उसके कुछ फीस लेने की बातचीत आई है, उन्होंने बताया है कि रसीद काट कर ही ले रहे हैं, लेकिन उसको अन्य जिलों में पता करके कि क्या स्थिति है। वैसे हमने मुफ्त में डायलिसिस यहां करने हेतु कहा है, 60 साल से ऊपर वालों को मुफ्त में उनकी दवाइयां और जो चेकअप है उसको भी करने के लिए कहा गया है। सर, यहाँ पे एक आयत आई है कि वो जो पर्ची लिखते हैं वो मेडिकल वाले का नाम बता करके लिखते हैं और शाम को ले जाकर वहां पर अपना कमीशन उठाते हैं, दारू भी लेते हैं, कई डॉक्टर ऐसा सुनने में आए। अभी तक मेरे तक तो विषय आए नहीं है, लेकिन अगर इसी को प्रमाणिक कोई हो तो उसको आप लोग बताएं, उसको देखेंगे। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे यहाँ सीजीएमएससी से हम पर्याप्त दवाएं हॉस्पिटलों में भेज रहे हैं। उसके अलावा हमारा माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो आरोग्य केंद्र है और दवा केंद्र है वो भी सभी हॉस्पिटलों में संचालित है, तो अगर इस प्रकार की कोई बात आती है तो बिल्कुल उस पर हम देखेंगे, जांच कराएंगे। देखने गए थे तो जो नया एमसीएच बन रहा है उसमें एसएससीओ 50 बेड रखा गया, जबकि यहाँ पर काफी संख्या में बच्चे आ रहे हैं, 70 से ज्यादा मरीज बच्चे यहाँ आते हैं, तो ऐसे में एसएससीओ बनाने की बहुत बड़ी जरूरत है, तो अभी नया बिल्डिंग बन रहा है इसमें क्या है? अभी 50 बिस्तरों का एमसीएच बनवा रहे हैं, क्योंकि पूरे जिले में एकलौता यहाँ है, इसको विकेंद्रीकरण कर रहे हैं। 100 बेड का मनेन्द्रगढ़ में भी जल्द ही प्रारंभ करेंगे, सूरजपुर में भी चालू हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ लोड कम होगा। जिला अस्पताल में यहाँ पे सर्जन नहीं है और स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी लापरवाही है, क्यों, आखिर क्या है, इतने बड़े? दो चार दिन में जो प्रमुख विशेषज्ञ हैं, निश्चेतक हैं, जैसे बच्चे के नहीं है और सर्जन हैं, महिला चिकित्सक हैं, एनेस्थीसिया, गायनी, पेडियाट्रिक, इन सब की नियुक्ति जल्द यहाँ डॉक्टर 2-3 दिन के अंदर आ जाएंगे। सर, यहाँ पे एक संविदा कर्मचारी पूरे स्वास्थ्य विभाग को चला रहा है और क्लास 1 अधिकारी की जांच एक संविदा कर्मचारी कर रहा है, इस पे क्या कहेंगे? संविदा कर्मचारी क्लास 1 की जांच कर रहे हैं, ऐसा ठीक है? मैं दिखवाता हूँ अगर ऐसा है। वो पूरे स्वास्थ्य विभाग को चला रहे हैं, पहले चलाते रहे होंगे, अब सरकार बदल गई है, अब भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार है, कोई भी ऐसा वैसा व्यक्ति किसी भी डिपार्टमेंट को नहीं चलाएगा। जिस तरह एक सीरियस पेशेंट शुक्रवार से एडमिट है, बोल नहीं सकता, उसके लिए अधिकारियों फटकार लगाई, जल्द रायपुर रिफर करने की आप बात कही है, उसकी स्वास्थ्य में स्थिति में, क्योंकि मैं टेक्निकल तो हूं नहीं, लेकिन ऐसे मैंने देखा तो उसके स्वास्थ्य में गिरावट है। मैंने कहा कि इसको देखें, यहां इलाज हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर भेजें और वहां से बातचीत करके अगर रायपुर लाइक केस हो तो।